फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन में आपको बताया था मैंने कुछ चीजें पहले से ही आपको हर बार करनी होती है, कुछ स्टेप्स, जैसे कि न्यूमरेटर को एक्स मानना, डिनोमिनेटर को वाई मानना और फ्रैक्शन को लिखना एक्स अपॉन। चलो करो मेरे साथ साथ, लेट न्यूमरेटर एक्स, लेट डिनोमिनेटर वाई, फ्रैक्शन विल बी एक्स अपॉन वाई। उसके बाद जो क्वेश्चन में दिया उसके हिसाब से आप फ्रैक्शन बिकम्स 1/3, एक फ्रैक्शन कितनी हो जाती है 1/3 इफ 1 इज सबट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में से 1 को सबट्रैक्ट कर दिया जाए, न्यूमरेटर में से 1 को सबट्रैक्ट कर दो दैट इज x - 1, डिनोमिनेटर जो कि y था उसमें से भी 1 को सबट्रैक्ट कर दो y - 1, तो अगर आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में से 1 को माइनस कर रहे हो तो आपके पास फ्रैक्शन क्या हो जाती है 1/3 अकॉर्डिंग टू। इसको कैसे सॉल्व करें? क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 की मल्टीप्लाई x माइनस 1 से और 1 की मल्टीप्लाई y माइनस 1 से, ये लेगा 3x - 3, ये लेगा y माइनस 1 से मल्टीप्लाई करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, y को इधर भेज देते हैं 1 भी इधर आ जाएगा, -3 + 1 - 2, ये बन गई आपके पास फर्स्ट इक्वेशन। कितने वेरिएबल्स हैं इसमें? दो वेरिएबल बनाने के लिए एक इक्वेशन या दो? दो इक्वेशन की नीड पड़ेगी। तो आगे वाली कंडीशन पढ़ते हैं क्या कह रहा है। इफ वन इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, अगर न्यूमरेटर में भी 1 ऐड कर दें और डिनोमिनेटर में भी 1 ऐड कर दें देन फ्रैक्शन बिकम्स 1/2, उस केस में फ्रैक्शन क्या बन जाती है 1/2। बताओ ये किस किस को क्लियर होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2 की x + 1 के साथ, 1 की y + 1 के साथ, 2x + 2 y + 1, y इधर आकर माइनस, 1 इधर आकर माइनस, दिस इज योर सेकंड इक्वेशन। टू इक्वेशंस, टू वेरिएबल्स, यू कैन सॉल्व देम। क्या आपको क्रॉस मल्टीप्लाई वाला सॉल्व करना आ गया? क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे सॉल्व करते हैं ये पता चल गया? किसी को भी हल्का सा डाउट है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करने में तो प्लीज पूछ लीजिए। नो डाउट, ब्रैकेट्स का जरूर ध्यान रखना है क्रॉस मल्टीप्लाई करते हुए, ब्रैकेट्स नहीं लगा हुए तो गलती होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ओके, तो अब आगे वाले क्वेश्चंस में मैं आपको क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करके दिखाऊंगा, सिर्फ कंडीशंस बनाकर दिखाऊंगा, आप खुद से क्रॉस मल्टीप्लाई करके इक्वेशंस बनाएं। क्लियर? हटा दो इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 कॉपी, फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन है। तो क्या क्या चीजें लेट करेंगे? लेट न्यूमरेटर इक्वल्स टू एक्स, डिनोमिनेटर इक्वल्स टू वाई, ये लिखना है हर बार, फटाफट डालना नहीं करना इसमें, अभी अगर डालोगे तो पेपर में लिख पाओगे। फ्रैक्शन इक्वल्स टू एक्स अपॉन वाई, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 12। कैसे पूछता, क्या मतलब हुआ इस बात का? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का सम किसके इक्वल है? 12 के। न्यूमरेटर क्या है बच्चों? x, डिनोमिनेटर क्या है? y, तो x और y का सम किसके इक्वल है? 12 के। ये आपकी बन गई फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकेंड इक्वेशन देख रहे हैं, सेकेंड इक्वेशन में वो कह रहे हैं इफ द डिनोमिनेटर इज इंक्रीज बाय 3, न्यूमरेटर की कहीं बात नहीं हो रही तो न्यूमरेटर में कोई चेंज नहीं करेंगे, जिसकी बात हो रही है सिर्फ उसमें चेंज करेंगे। डिनोमिनेटर इज इंक्रीज बाय 3 देन द फ्रैक्शन बिकम्स 1/2। इसको कैसे लिखेंगे? लिखो एक्स प्लस वाई क्यों होगा बेटा? देखो ये केस इस केस से अलग है, पहले तो ये केस खत्म हो चुका है, इसका कोई रोल नहीं है।
नेक्स्ट वो क्या कह रहा है, डिनोमिनेटर इज इंक्रीज बाय 3, सिर्फ किसको बढ़ा रहे हो, डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर क्या है, सेम रहेगा, x का x ही रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा उसमें। और डिनोमिनेटर में कितना चेंज करना है, प्लस 3, ठीक है। तो अगर आप ऐसा करते हो तो फ्रैक्शन कितनी हो जाती है, 1/2, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर फ्रैक्शन के इक्वल होता है। न्यूमरेटर में कोई चेंज नहीं करना, डिनोमिनेटर में प्लस 3 करना है, तो फ्रैक्शन क्या बन जाएगी, 1/2। और बताओ किस किस को क्लियर, एलिमेंट क्लियर है आपको, क्या कर देंगे इसमें बताओ, डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, 2x = 5x बन जाएगी ये सेकेंड इक्वेशन। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके आंसर निकल सकता है, हटा दो इसको। अनबिता क्वेश्चन, जल्दी से तीन चीजें अपने आप लिखो, लेट न्यूमरेटर, लेट डिनोमिनेटर, फ्रैक्शन। इसमें आंसर जो फाइनल आंसर होता है ना, उसमें भी फ्रैक्शन लिखकर आनी होती है, क्योंकि देखो फाइनल आंसर में उसमें क्या पूछा है, फाइंड द फ्रैक्शन। मैक्सिमम बच्चे x की वैल्यू और y की वैल्यू निकाल कर छोड़ देते हैं, फ्रैक्शन नहीं लिखते। फ्रैक्शन लिखोगे तभी पूरे मार्क्स मिलेंगे, फ्रैक्शन नहीं लिखोगे तो पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। क्लियर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर्व क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट केस में डिनोमिनेटर में 3 ऐड करना है, न्यूमरेटर में से 2 सबट्रैक्ट करना है, तो फ्रैक्शन क्या बन जाएगी, 1/4, ठीक है। आप बताओ कार्तिक कैसे लिखें इस चीज को, x माइनस 2, न्यूमरेटर में से 2 को माइनस करना है, अपॉन x प्लस 3 या y प्लस 3, y प्लस 3, डिनोमिनेटर y है ना, y में 3 ऐड करना, देन योर फ्रैक्शन बिकम्स 1/4। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करके फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी बच्चों। अब देख रहे हैं सेकंड इक्वेशन, शिवांश सेकंड इक्वेशन के लिए क्या कह रहे हैं, वो न्यूमरेटर में 6 ऐड करना है, ओके गुड, डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना है 3 से, तो ये वाली कंडीशन भी सोचनी पड़ेगी। रैशनली क्या बैठेगी ये कंडीशन, x प्लस 6 न्यूमरेटर में ऐड कर दिया, अपॉन y into 3, इस केस में प्लस नहीं होगा, मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लाई ही करेंगे, वेरी गुड। y into 3 को 3 into y लिख दूं, then in that case your fraction will become 2/3। अब आपकी फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, 2/3, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेंगे, जिससे आपके पास सेकेंड इक्वेशन बन जाएगी। दो इक्वेशन दो वेरिएबल सॉल्व करना आपको आता है, कल हमने एलिमिनेशन मेथड दोबारा से बिल्कुल पक्का कर लिया था हाई लेवल क्वेश्चंस करके, है ना। चलिए यहाँ तक नोट कर लीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लो, बताओ किस किस को क्लियर हो रहे हैं क्वेश्चंस, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, बता दो इसको, इसमें डिनोमिनेटर में प्लस नहीं हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, ध्यान रखना इस चीज का। ये तो सिंपल वही क्वेश्चन है जो अभी किया था हमने, कर लोगे इसको खुद से। इसमें एक चीज आपको बतानी है, जरा ध्यान से सुनना, वर्ड का ध्यान रखना, कुछ अलग बता रहा हूँ, अब तक इस तरह का कुछ डिस्कस नहीं किया है, इसलिए बोर्ड पर फोकस करो जरा। क्वेश्चन तो ईजी है, हो जाए, रिड्यूसेस टू 1/3 दिया है, है ना, इधर ध्यान दो सर, रिड्यूसेस टू 1/3 दिया है, तो आप डायरेक्टली कहोगे कि डिनोमिनेटर को इंक्रीज कर दिया 2 से, न्यूमरेटर की कोई बात नहीं की, तो न्यूमरेटर में कोई चेंज नहीं है, डिनोमिनेटर को किससे इंक्रीज किया है, 2 से, तो फ्रैक्शन क्या बन गई है, 1/3। ये कंडीशन आपको पता है लगानी है, ओके। लेकिन अगर वो यहाँ पर 2 की जगह 5 कर दे, क्या वर्ड कर दे, 5, बहुत छोटा सा चेंज है, ध्यान से समझना, 2 की जगह क्या कर दे, 5, इफ द डिनोमिनेटर इज इंक्रीज बाय 2, न्यूमरेटर में कोई चेंज नहीं है, डिनोमिनेटर में क्या है, देन द फ्रैक्शन रिड्यूसेस बाय 1/3। तो अब फ्रैक्शन जो पहले थी उससे 1/3 कम हो जाएगी, जो पहले फ्रैक्शन थी उससे 1/3 कम हो जाएगी, पहले फ्रैक्शन क्या थी उससे 1/3 कम हो जाएगी, पूरा क्वेश्चन ही चेंज हो जाएगा, पूरी इक्वेशन ही चेंज हो जाएगी अगर उसने छोटा सा वर्ड चेंज कर दिया।
टू लिखा है तो सीधा सीधा 1/3 बन गया, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो नॉर्मल क्वेश्चन है जैसे अब तक करते आ रहे हैं। लेकिन अगर उसने 2 की जगह बाय वर्ड यूज कर लिया तो इसका मतलब जो फ्रैक्शन थी वो रिड्यूस हुई है बाय 1/3। तो फ्रैक्शन क्या थी? एक्स अपॉन वाई, वो रिड्यूस किससे हुई है? तो फिर इक्वेशन ऐसे बनेगी, एक्स अपॉन वाई प्लस 2 इक्वल्स टू, जो पहले फ्रैक्शन थी उसमें कितना रिडक्शन हुआ है 1/3 का। बताओ डिफरेंस किस किस को समझ आ रहा है? हालांकि इस तरह का क्वेश्चन अभी जल्दी से नहीं पूछते हैं, बट फिर भी ध्यान रखना, अगर 2 की जगह बाय लिख दिया है तो x अपॉन y माइनस 1/3 आएगा। इसको ऊपर मार्जिन में नोट करो, ऐसे अपनी लैंग्वेज में लिख लेना कि अगर 2 की जगह बाय आ गया तो ये कंडीशन आएगी। डन, चलिए समझ रहे। पहले वो तीन मैजिकल वर्ड्स लिख दो। कौन से थे वो तीन मैजिकल वर्ड? लेट न्यूमरेटर एक्स, लेट डिनोमिनेटर वाई, फ्रैक्शन एक्स अपॉन वाई। ये वाले मैजिकल वर्ड्स की बात कर रहे हो, वो नहीं जो तुमने पढ़े। द सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज 4 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जो सम है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जो सम है वो 4 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर है। 4 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर, न्यूमरेटर का क्या करना है? ट्वाइस, और उससे भी कितना ज्यादा है? 4 ज्यादा। ध्यान से समझना इस केस को, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर का जो सम है वो न्यूमरेटर के ट्वाइस से 4 ज्यादा है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जो सम है वो न्यूमरेटर के ट्वाइस से 4 ज्यादा है। तो 4 ज्यादा है तो प्लस, कम होता तो माइनस। न्यूमरेटर के ट्वाइस से 4 ज्यादा है, इस चीज का ध्यान रखिए। ओके, यहां से आपके पास बन जाएगी फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकंड इक्वेशन, इफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर इंक्रीज बाय 3, दोनों को इंक्रीज कर रहे हैं बाय 3, x + 3 y + 3, तो दोनों की रेशियो क्या हो जाती है? 2:3। क्रॉस मल्टीप्लाई करके सेकंड इक्वेशन बन जाएगी। इससे 2 इक्वेशन है, 2 वेरिएबल है, सॉल्व कर सकते हैं आप। बताइए अगर किसी को कोई डाउट है तो। जिससे सो क्लियर हो गया है क्वेश्चन, पूछा था डाउट था, कोई दिक्कत इसमें? तो ये सारे क्वेश्चंस किसके ऊपर बेस्ड थे? फ्रैक्शंस के ऊपर बेस्ड।